यदि हम एक संपूर्ण मनुष्य की कसौटी पर खरे उतरें, तो ही दुनिया को सुधारने की पात्रता आती है। अतः पहले खुद को आदर्श बनाएं। जी हां दोस्तों, आज की हमारी कहानी दूसरों को सुधारने से पहले खुद आदर्श बने इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों एक बार की बात है, 10 लड़के किसी यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने तय किया कि अमूक स्थान पर उन्हें पहुंचना है। सब अपने अपने हिसाब से चलने लगे, कोई तेज चलता तो कोई धीरे। इसकी वजह से सभी अलग थलग हो गए। अब जब शाम हुई तो शाम को सभी के लक्ष्य पर पहुंचने पर उन्होंने तय किया कि पहले पूरी मित्र मंडली को गिन लेना चाहिए, ताकि निश्चित हो जाए कि कोई रास्ते में तो नहीं रह गया। अब सभी मित्र एक पंक्ति में खड़े हुए और उनमें से एक ने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसने कहा, हम तो 9 ही हैं, ऐसा लगता है कि 10वां मित्र रास्ते में ही कहीं रह गया है। उसकी बात सुनकर एक लड़का बोला, ठहरो भाई, मैं गिनता हूं, हो सकता है कि तुमने गिनने में कोई भूल कर दी हो। इस बार भी 9 ही लड़के निकले। सबने बारी बारी गिना, किंतु संख्या हर बार 9 ही निकली। तभी एक संत उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने लड़कों को परेशान देखा, उन्होंने इसकी वजह जाननी चाहिए। उनकी समस्या जानकर संत बोले, मैं तुम्हारे मित्र को भी अभी मिलाए देता हूं, सभी कतार में खड़े हो जाओ। इसके बाद उन्होंने गिनना आरंभ किया। इस बार पूरे 10 लड़के निकले। लड़कों ने संत का आभार मानते हुए पूछा, महाराज आपने हमारा 10वां साथी कैसे ढूंढ निकाला? तब संत मुस्कुराकर बोले, बच्चों तुम में जो गिनता था वह स्वयं को छोड़ देता था, इसी से गणना गलत हो जाती थी। कथा का सार यह है कि हम स्वयं को भूल दुनिया के विषय में अधिक बात करते हैं कि फला में ये कमजोरी है और अमूक इसीलिए खराब है। इसी प्रवृत्ति के कारण हमें दुनिया दोषपूर्ण दिखती है। दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले हमें स्वयं का आकलन भली भांति कर लेना है। यदि हम एक संपूर्ण मनुष्य की कसौटी पर खरे उतरे, तो ही दुनिया को सुधारने की पात्रता हम में आती है। अतः पहले स्वयं को आदर्श बनाएं, फिर दूसरों को अपने जैसा बनाने का उपदेश दें। तो प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में इतना ही। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।